क्या साथ आता है, ये बात करना छोड़ देती है मेरे से हरामी। तू इधर आ। अच्छा लग रहा है मेरे को, मैंने इसको पहले ही बोलता गाड़ी में बैठ। रोज तो यहाँ पे मिला नहीं, पहले रोज सोचा था मैं यूलू से गया भी था ढूंढने। तो सही मेरे साथ सही। अच्छा रुकेगा तो मैं तो गिरा। तन्नू आप किसके साथ जाओगी? भग रही है तो आज बिल्कुल बात नहीं करेगी। Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. I hope आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं आ चुकी एक नई YouTube वीडियो के साथ जो है Not talking to Vishal at all for 24 hours challenge. Like ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं कि मैंने उससे बात ना करी। Like आपने मेरे वाला ब्लॉग देखा होगा, उसने इग्नोर किया था मैंने विशाल को, बट मैं कुछ ना बात तो कर रही थी थोड़ी बहुत, आपने देखा होगा ब्लॉग में, अगर नहीं देखा। और हाँ, उस वीडियो में 1 मिलियन व्यूज गए हैं। थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत खुशी हुई जब मैंने वो व्यूज देखे, इतने ज्यादा गए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है 1 मिलियन व्यूज। तो थैंक यू सो मच। तो आज मैं बिल्कुल ही बात नहीं करूंगी उससे, लाइक ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं मतलब मेरे को आदत है उससे बात करने की, मेरे को कुछ ना कुछ बोलते रहना है उसको, और वो कभी कभी इतना वो हो जाता है कि भाई बस कर। तो अभी ना दो परसों तरसों में वो कह रही थी कि देख एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बिल्कुल बात नहीं करूँ तो बोलेगा कि भाई बोल ले मेरे से। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अपना बाहर बाहर जाते हैं, तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली चैलेंज मेरा है, मेरे को विशाल से बात नहीं करनी, बट यही मेरे से बात नहीं कर रहा भाई। मैं जब से वेट कर रही हूँ कि कुछ बोले और मैं उसको इग्नोर करूँ, और जब से कॉन्टिन्यू, जब से हम सभी जस्ट 10 मिनट पहले सीधे पहुँचे हैं, जब से फ़ोन पे लगा हुआ है बिल्कुल ही मेरे को बात नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे चलेगा यार? कट गया मेरा फोन। तो गाइस परी अभी पीछे, और मैंने सोचा था कि मतलब मैं उससे बोलूँगा अभी। मेरे को देखो, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को भूख लगती है, तो अभी हम सोच रहे हैं कुछ खाने के लिए जाएंगे। तो अभी मैं उसको जाके बोलता हूँ कि चल मेरे साथ खाने के लिए, और बाकी लोग भी आ रहे हैं, बल्ली तन्नू वन्नू तो आ गए, उनको आने दो, फिर चलते हैं हम लोग कुछ खाने, और आपको दिखाऊंगा, देखते हैं बात करती है नहीं करती। फंसा तो लूंगा, बात तो करके दिखाऊंगा मैं आपको, मतलब मेरा रिप्लाई तो वो देगी देगी। बट मेरे फ्रेंड्स मेरे को दिख गए हैं, लाइक हाय कपल्स, हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, हाय राज। तो गाइस ये दिख गया हमें लाल वालों वाली, भीड़ में लगी, बिल्कुल भीड़ में खड़ी है, पता नहीं क्यों ये लाल वाली गुस्से में लग रही है, पता नहीं क्यों। तू वहाँ क्यों गया था? मेरे से बिना पूछे तो दूसरी लड़कियों से मिलने जा रहा है। अरे वो याद कर रहे थे हमें। तो तू याद होते से चला जाएगा, तुम लोग लेट हो गए ना बहुत। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने। तो कौन सी मोमोज खिला रही है? अरे भग रही है तो आज बिल्कुल बात नहीं करेगी। और जब मैंने कर ली पता, और जब मैंने कर ली इग्नोर भी नहीं करना आता, हंस और रही है साथ में है? कोई नहीं, हम ट्राई करते रहेंगे। तो ले आओ मेरे लिए मोमोज। साले तू क्या साथ आता है, ये बात करना छोड़ देती है मेरे से हरामी। तू इधर आ। मैं नहीं आता, ये आती है। हैं क्या मैटर है? अरे ये आती है। क्या कर रहे हो तुम मेरे पीछे से? अरे पूछ ले। है भाई हंस रही है और भाव तो दे रही है लेकिन बात नहीं कर रही। आवाज निकाल, आवाज निकाल। है भाई क्या सिस्टम है? साहू बड़ी बता दे कितना प्यार करती है। मोमोज तो खाती होगी तन्नू। चल तन्नू के बदले का मेरे लिए लिया जा, मैं और भाई खा लेंगे। जा लिया, तुम नहीं खाती तन्नू मोमोज, तो मैं खा लूँ तुम्हारे बदले का, है ना? ब्लॉग में आप बोल दिया, जा ले क्या तन्नू करी, मैं खा तो लेकिन आसपास वॉशरूम नहीं। जा भैया जा, मोमोज ले क्या मेरे लिए। मेरे फेवरेट मोमोज आ गए हैं और विद कॉफी, तो मैंने सिर्फ इसको मोमोज ला के दी। पत्री करवा देगा। कपल्स फाइटिंग इन पब्लिक इज नॉट अलाउड। ऐसे ऊपर से कह रहे पत्री हो जाती है। तो दुबक के खड़ा कोई ले ले। पता है सुनो, एक कैंडी ले लो, मोमोज की चटनी खाओ। कैंडी मेरे को ला तो दिए पनीर मोमोज, बट मैंने इसको बात नहीं करी। मैंने सोचा कि एक्चुअली इसको बहुत, मेरी बात का जवाब दिया ना अभी इसने, इसको बहुत गर्मी लगती है भीड़ में जाने में, तो मैंने सोचा कि बच्चा ला के दे देती हूँ, याद रखेगा मेरे कर्म अच्छे। अभी ऐसा कुछ सीन हो गया है, देखो विशाल तो मेरे से बात नहीं कर रहा, तो हम चाहते हैं कि तन्नू भी बल्ली से बात ना करे। नहीं सॉरी, मैं विशाल से बात नहीं कर रहा, हम लोग चाहते हैं कि तन्नू भी, रुक जाओ, तन्नू भी बल्ली से बात बात ना करे, तो इनका तो आज काम हम तमाम करा देंगे। लड़ाई वो करवा देंगे।
हमने तन्नु को ऐसा बोला कि ना स्कूटी पे आके लूडो चलाता था, लड़कियों को घुमाता था वगैरह वगैरह, जब तो ब्लॉग देख लो, और एक तो हमने बैठा था मतलब लड़की के साथ। तो अभी हमने बल्ली को पूछा कि बल्ली चल रही लूडो, चलते? बल्ली ने कहा नहीं नहीं मैं तो स्कूटी से आऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। तन्नु की लस गई कि अच्छा लड़कियों के साथ घूम सकता तो लूडो पे मेरे साथ नहीं घूमेगा। उन्होंने अपनी ग्रुप चेंज कर लिया है, बल्ली को छोड़ के वो चल रही है दूसरे ग्रुप के साथ। बल्ली देख रहे हो साहू क्या कर रहा है? हाँ देख रहा हूँ। तो गाइस ये ऐसे भक्ति है, ये ड्रामे करती है पूरे। ये प्रोडी ऐसे क्यों भक्ति आई तू? यहाँ यूनि मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तन्नु क्या बात हो गई, अभी भी नाराज हो? नहीं हाँ ये ठीक है। अरे ये क्या हो गया? ये तो सिर्फ तन्नु और बल्ली के लिए है भाई। कैसे बिठाता था, कैसे बिठाता था इसका आगे पता है कैसे करके दिखा रहा है? इन्हें पूछे कैसे बिठाता था, यहाँ बैठ रहा लोहे पे और इतनी जगह दिखा रहा है। आने का इतनी हो जाए तो गोदी में बिठा लो या तो यहाँ बिठा लो। रहने दे बल्ली, दोनों में से एक हो सकते है। चल रहा है बल्ली पूरे पूरे टाइम तो लोहे पे तू भी नहीं बैठेगा। सही बात है। हमें यहाँ पे यूलू बाइक नहीं, ये वाली यहाँ नहीं मिलेगी। एकदम चलते हैं अब कहीं और। क्यों क्या है बे? गर्मी हो रही है बहुत है, हॉट है तू भी है। बल्ली ज्यादा परेशान लग रहा है। बल्ली रो रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि बात तो करनी थी आयुषी, तो तन्नु के साथ घूमूंगा यूलू पे। तन्नु ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, जरा आपको ना विशु के साथ बैठना पड़ेगा। बदला लेना, मैं भी वो भी बैठ जाओगी? देख लो ले, इतनी खुशी, इतनी सी खुशी, खुश हो गई बहुत ज्यादा। चामुंडा सर पकड़ लिया तो अभी से। अभी हम लोग सोच रहे कि यहाँ पे तो यूलू है नहीं, तो अभी हम लोग सोच रहे बारह खंबा जाते हैं। ये बात तो मेरे से करनी थी, मैंने इसको बोला भी कि मैं तेरे को बिठा के वो चलाऊंगा यूलू बिठा के, तो उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। और अभी हमारे पास एक और लड़की है, तो अगर ये बात नहीं करी वैसे तो मैं 3-4 बार ट्राई करूंगा, बोलूंगा इससे कि चल आ जा मेरे साथ बैठ। अगर ये नहीं बैठती ना तो मैं तन्नु को बोलूंगा तुम बैठ जाओ मेरे साथ, वो बैठ जाएगी, फिर ये किल से ही अपने भाई की भगी भगी। एक भैया एक रोटेशन मार गई तो है, इतने से मैं कौन सी ले हो गई 50 में बात तो क्या करेगी 10-10 रुपए बचा के गाड़ी ना लू। ओह माय गॉड, आज राज खोल दिया इसने, गाड़ी ना लू। तन्नु आप किसी साथ जाओगी? ओ यार तन्नु आज गुस्सा हो गई, पता नहीं क्या बात हो गई, गुस्सा हो गई तन्नु। आप किसी साथ जाओगी? किसके साथ जाओगी आज? मैं सबके साथ जाऊंगी आज। ओह माय गॉड, चलो बल्ली भाई ध्यान से लेके जाइयो। अब मतलब पहले तो आप लोगों ने हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि हम लोग यूलू खूब चलाते थे, बट जब पता नहीं लॉकडाउन जब से खुला है उसके बाद यूलू चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। कभी यूलू अनलॉक नहीं हो पाती, कभी बैटरी नहीं होती, कभी यूलू ही नहीं खड़ी होती, और आज भी यही हो रहा है। हमारा बहुत ज़्यादा मन था कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है यूलू चलाएंगे, बट यूलू अनलॉक ही नहीं हो रही भाई, चलाऊँ कैसे? माय गॉड, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, क्या क्यों कर रहे हो? चल रहे ना, ओके फाइन। क्या है, पैसे वैसे है नहीं, आ गया यूलू पे बैठ तो सही मेरे साथ। तो मैं कुछ लोगों को बता दूं, बैठ तो सही। अच्छा रुकेगा तो मैं गिरा। अच्छा लगेगा, मैं तन्नु को बिठा लूंगा। बल्ली ना गाइस समझा लो, इसे पहले भी एक बार मैं कर चुका हूं ये चीज, फिर आप लोग की नजरों में पूरा बनूंगा मैं। क्या करता है मैं, मतलब ये इंसान ऐसा है कि ना ये ब्लॉग के बहाने ना कर रही है ना मेरे बारे में बात तेरे। चलो जा रहा तन्नु को ढूंढने।
चल फिर बैठ। खींच क्यों रहा है मेरे को? अब मैं बात ही नहीं करूंगी। चलो इसमें ठोकू पोल में। मैंने तो बुला लिया भैया को, भैया कर दो बैटरी चेंज पूरी। ओ भाई मेरी हो गई पहले चेंज। क्या है करवा ले, कौन सी आफत हो गई? मेरी पूरी बैटरी भर रखी भैया ने ऊपर से नीचे तक। तेरी शरीर की बैटरी डाउन हुई हो तो बता, तेरे में भी लगा था जा। अरे यहाँ क्या हो गया? वो भाग रहा है वो। कुछ बहुत गंदा सीन हो गया, बल्ली किसी के पीछे भगभग के गया। ये रे रे रे। अबे क्या हो गया था? क्या हो गया था? किसको दे के गया था? गाली दे के। क्यों? अरे नहीं फोन बात करके पीछे से कुछ कमेंट मार दिया होगा। गाली दे दिया था बहुत गंदा। आपको तो पता ही आजकल के लोग कैसे है, अपनी लड़की देखी नहीं ड्रामे पहले चालू कर देते हैं आजकल के भाई। बट बल्ली बीइंग बल्ली, बल्ली ने हमारा नाम रोशन करे, बल्ली ने तो खूब पीटा, वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल के चला गया था। बट कोई तो अभी बल्ली राज और तनु जा रहे हैं, बिकॉज थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ आपको तो पता है हम लोग तो रात में ही ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। 2000 का नोट है भाई। मेरे से बात करने लग गई ना। सॉरी बात नहीं कर रही थी और मेरे पीछे बैठी है, देख लो। अरे इसकी भैंस क्या और बताओ गाइस। अरे ओए 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 एक सेकंड। साथ है पर साथ होके भी नहीं साथ है। रात में अलग मजा है यार घूमने का, है ना। साथ में अच्छी लड़की हो, अच्छी लड़की तो नहीं है पर थोड़ी और अच्छी मिल जाती तो बात कुछ और थी, है ना। क्या बोलती है? तो मैं ज़्यादा खुश रहता ना फिर। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं अच्छा तो हूँ, मैं ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको यूलू पे घूमना है तो DM कर देना मेरे को। मैं ये कैसे आगे कर रहा है तू? बेलदार है क्या? किधर जाना है यार? लास्ट चूलू पता कब लाए थे? जब हमने वो वाला ब्लॉग बनाया था कि जब एक किसी और लड़की को लेके घूम रहा था, मतलब सीरियल को लेके घूम रहा था, बहुत ज्यादा थी। वो तो दोस्त है मेरी, है ना, आप लोगों को पता तो है मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। मेरे साथ तो हमेशा इन लोगों को जाती है, बट मैं तो जब भी आता हूँ यूलू चला के जाता हूँ आराम से। चाहे थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ी दिक्कत होती है, पर यूलू तो मिल जाती है मुझे। अपने साथ जो रहेगा खुश रहेगा। शरीर भी खुश थी, वो भी खुश है, वो अलग बात है, बात नहीं करती, कुछ करती है जानती। खुश तो तन्नू भी थी, लेकिन तन्नू चली गई अभी। क्या जली ना। तो सर्कस में काम करता था क्या? ऐसे ही गोल गोल घुमाता होगा उसका कुआं दिखा रहा है, जैसे मौत के कुएं में नहीं घुमाते। बस 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 सर्कस खत्म। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत देर हो गई मेरे से बात नहीं कर रही थी परी, तो मैंने बहुत मनाया भी इसको, ऑफ कैमरा भी मनाया, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता मैं। बट ये तो सीरियस ही होगी बहुत ज़्यादा, कि बात बात नहीं कर रही, इग्नोर कर रही है, सुन भी रही है, मतलब कहीं कहीं जगह, मतलब जहाँ मैं थोड़ा सा वो खेल जाता हूँ ना, जैसे बातों बातों में खेलना वैसे खेल जाता हूँ, तो वो रिप्लाई कर देती है, फिर मैं बोलता हूँ पकड़ी गई ना, कर दे रिप्लाई। तो अभी वो लोग तो वो पीछे यूलू वूलू खड़ी कर रहे हैं,
मैंने इस साइड देखा, मैं कहा थोड़ा सा एक सरप्राइज दे देता हूँ छोटा सा। तो मैंने डिसाइड किया मैं उसे छोटा सा फूल दूंगा ये, और देखते हैं मानती नहीं मानती। रोज़ तो यहाँ पर मिला नहीं, पहले रोज़ सोचा था, मैं यूलू से गया भी था ढूंढने, फिर मेरे को मिला नहीं। ये लोग पूछ भी रहे थे कहाँ गया था, मैंने कहा ऐसी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पीने गया था। तो चलो अभी चलते हैं, साहू के साथ खड़ी है, रुक जाओ देते हैं उसको। कर ली यूलू खड़ी? हाँ भाई कर ली, कर ली। मेरे से बात नहीं करी है इसने पूरा दिन, कल मैं भी नहीं करूँगा, कोई नहीं उसका ब्लॉग तो कोई बनाएंगे नहीं। केले मैं तेल ये लेने गया था इतनी देर से, तू कह रही थी ना कहाँ गया था यूलू लेके, ले आई ट्राइड माय बेस्ट बट कहीं कहीं जगह तो पकड़ लिया, इसको फंसा दिया मैंने बातों बातों में। ले अब तो बात कर ले, पूरा दिन चला गया, कर ले कर ले। खुशबू भी अच्छी है इसकी। वो तो मेरे पास मेरा बैग नहीं था गाड़ी में, तो मैं डीओ मार के लाता मैं इस पर। रोज नहीं मिला, मैंने बता तो दिया सबको। क्यूट है ना, बात कर रही है ना मेरे से, मुझे पता था बहुत मिस कर रही होगी मेरे को। बट मैंने ट्राई पूरा करा, मतलब बट आई फेल्ड बहुत जगह पे, मेरे से नहीं होता यार, तो आदत है ना कि रोज बोलने की। बट एक दिन ऐसा आएगा कि तरसेगा मेरी आवाज सुनने की। जी हां, पहले मेरे को ये दिया वैसे सो कायदे से मेरे लिए रोज लेके आना चाहिए, रोज का पूरा बुके बुके लेके आना चाहिए था, बट कोई नहीं उसने ये दिया, मैं खुश हूँ क्योंकि उसने तब कुछ दिया ही नहीं। मतलब यार देखो, आप लोग सोचोगे ओ माय गॉड आयुष ने बोला था वो आज बात नहीं करेगी विशाल से, बट कर ली यार, क्योंकि मैंने आज सोचा था कि चैलेंज का मतलब क्या होता है, मैंने चैलेंज बनाने की कोशिश करी बट आई फेल्ड। दिस इज फॉर यू। आगे फुटेज लेने तेरे से तो मिलती है सारी फुटेज मेरे को, अब पता लग गया ना वो राज आप लोगों को। चल देना, क्या दूँ दे यार, मेरे हाथ दुख रहे, फुटेज दे मेरे को ये फुटेज। थैंक यू, दिस फॉर यू। मेरा फुल मुरझा और गया, ये देखो मुझे ही देख लिया, तोड़ा है तूने, पागल है क्या तू, मैं सही रखा था ताज ना, मेरे को ना पता है एक और रीजन था इसको ना इग्नोर करने का, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, मैंने इसको पहले ही बोल दिया गाड़ी में बैठे, तो अभी थोड़ा शक्ल ऐसी हो रही है लेकिन मैं आज थोड़ा ठीक लग रहा था। कैसी भी शक्ल है, मेरे को तो ठीक लगता है। ज्यादा बोल रही है तुम लोगों के आगे, नहीं क्यों मैंने बोला ना गाड़ी में बैठे, सच बता दे साजा कसम, मैंने देखो ना आप लोग तो अच्छा लग रहा है। बोल रही थी कभी कभार, मैं आई थी विशाल को ये बोल के कि तू गाड़ी के पास जा, मैंने एक चॉकलेट यहाँ मिलती है मेरे को बहुत पसंद आई थी वो मैं लेने आई हूँ, बट मेरे को चॉकलेट इतना दिखी तो मेरे को ना एक दीदी मिली और उनके पास इतनी प्यारी प्यारी रिंग्स है यार, तो अभी वो देखेगा तो गुस्सा करेगा कि तू झूठ बोल, मतलब चॉकलेट के माने तू शॉपिंग कर रही है बैठ के। ये देख मैंने क्या लिया, ये देख तो तेरे लिए नहीं लाई, मतलब दे ये भी देगी भी देख कैसी लग रही है, ऐसे क्यों बोलते ढंग से बोल, अच्छा है बहुत अच्छा है यार, तो कुछ पसंद ही नहीं आता, मतलब यार मतलब ना वो